सो फ्रेंड्स, अभी मैं किसी काम से बाहर आई थी और मैंने ले ली है बहुत सारी सब्जियाँ। एक्चुअली ना हस्बैंड के दिन से बोल रहे साग बनाओ साग बनाओ, तो मैंने यहाँ पे साग लिया है, 1.25 किलो साग है, टमाटर हैं, गाजर, मटर, और यहाँ पे मुझे 25 रुपये किलो मिल गई मटर, गाजर और ये सारी चीज़ें, आलू वगैरह वहाँ पे रखी है मैंने अपने पास में। सब्जियाँ वैसे पीछे रख लेनी चाहिए थी लेकिन जल्दी जल्दी मैंने ऐसे ही रख ली। अभी मैं रुकी हुई थी, मुझे थोड़ी सी भूख फील हो रही है तो मैं सोच रही थोड़ा सा जूस पीती हूँ गाजर का, बीटरूट का, तो अभी मैंने मंगाया है, मेरे लिए आ रहा है तो पीते हैं जूस। गले का दर्द वैसे अभी कम है लेकिन गाजर का जूस तो कहीं नहीं नुकसान देगा, है ना, तो मैं सोचूँ पी लेती हूँ जूस। बाहर का चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा, मैं कह रही थी ना कि वेट लूज़ करने पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ तो मैं बाहर की चीज़ें थोड़ा सा कम खा रही हूँ, हेल्दी फूड पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरी स्किन विस्किन और हेल्थ थोड़ी सी अच्छी हो जाए, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रही हूँ, देखो कितना सक्सेसफुल रहता है। वैसे वॉक की तो मेरे को आदत पड़ गई है, कंटिन्यूसली मैं वॉक कर रही हूँ और मुझे कई मंथ हो गए करते करते, तो पता है अभी बॉडी अपने आप ही कहती है कि वॉक करो, तो जिस चीज़ की आपको हैबिट पड़ जाती है ना तो फिर आपको उसके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता, आप खुद ही उसके लिए लग जाते हो, है ना, तो बस ऐसा है। और मुझे याद है कि ये वाला जूस मैं शादी से पहले अपने हाथ से निकाल के तब पिया करती थी, जब मेरी मैरिज होने वाली थी ना उससे पहले हर लड़की को रहता है मेरी स्किन क्लियर हो जाए शादी से पहले हम अच्छे दिखें, तो ये बीट रूट, गाजर और आंवला और कई सारी चीज़ें होती हैं ना इसमें, इस मौसम की पालक वगैरह, तो इसमें तो बीट रूट है, गाजर है और आंवला है, तो ये तीनों का मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब जूस है तीनों का। यूं घर जब मैं गई थी तो ये दाल अपनी बॉइल करके गई थी, उड़द की दाल और राजमा, बहुत थोड़ा सा बॉइल किया था, लंच में बहुत कम करते हैं तो फिर मैं भी थोड़ा खाना कम ही खाती हूँ, हस्बैंड भी कम खाते हैं, तो श्रीजा को पसंद है, सक्षम को भी पसंद है राजमे वाली दाल। थोड़ी सी है मसाला भी, थोड़ा सा अदरक, लौंग, काली मिर्च, हींग, जीरा और हरी मिर्च दो, ये थोड़े डाल के मैं मिक्सी में पीस के फ्रेश मसाला इसमें डालूंगी, फ्रेश मसाला डालते ही इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है उड़द की दाल में, तो हमारे साइड में तो यही डालता है। अब ये दाल पकेगी काफ़ी और मैं इतना बैठ के बाहर अपना साग साफ करूँगी, बाहर आ रही है मस्त वाली धूप, मैंने इसमें मसाला डाल दिया है, गैस को कर दिया है सिम और मैं जा रही हूँ अपने घर के बाहर वाले एरिया में, मस्त मस्त धूप में बैठ के सब्जियाँ साफ करूँगी, ये वाला टाइम बिल्कुल अच्छा है, और यहीं पर बैठ के मैंने उस दिन लहसुन वगैरह छीला था तो मेरा काम ना ईजी हो जाता है कुछ। राम राम जी, राम राम जी जपो, राम राम जी भजन, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, मेरे राम। तेरी वीडियो बन रही है। गुड इवनिंग, सीधे इवनिंग में मिल रही हूँ आप लोगों से, और अभी मैंने यहाँ पे जो गाजर लाई थी ना 2 kg गाजर थी, उनको कस के उनका हलवा बनने के लिए रखा है, बच्चे फेस्टिवल मतलब जैसे क्रिसमस है ना, तो कोई पार्टी में जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर का खाना वाना तो खाते नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा अच्छा तो बना ही सकते हैं ना घर पे, तो मैंने अपने बच्चों के लिए गाजर का हलवा बना दिया यहाँ पर। और आज पड़ोस में एक भाभी है, उनके यहाँ बच्चे गेम में खेल रहे थे थोड़ी देर, इन लोगों ने पार्टी की, तो ये मैंने पका दिया था दिन में अच्छे से, सेम प्रोसेस जैसे पहले पकाया था घी डाल के, और अभी मैंने इसमें शुगर डाल दिया। और मेरे पास है बॉयल्ड सिंघाड़े जिनको मैंने बॉयल करके और साफ़ करके रख लिया है, अभी मैं इनकी थोड़ी सी कचरी बनाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जो सिंघाड़े होते हैं ना, देखो अभी बिल्कुल जाता हुआ सीज़न है सिंघाड़े का, इस टाइम पे सिंघाड़े बिल्कुल ख़त्म होने की हो रहे हैं, तो सिंघाड़े में बहुत ज़्यादा टाइट आ रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने इन सिंघाड़ों को मिक्सी के जार में डालकर एक बार घुमा दिया है, दो बार घुमा दिया, ये बिल्कुल ड्राई है और बिल्कुल दरदरे हैं, नहीं तो अगर आप कच्चे सिंघाड़ों को कर दोगे ना तो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, और क्योंकि मैं इसको कढ़ाई में डाल के किसी भी चीज़ से दबाऊंगी ये टूटेंगे नहीं, तो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने इसको इसमें डाल के थोड़ा सा चला दिया है, है ना। ये कढ़ाई आप कोई सी भी कढ़ाई में बना सकते हो, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी डाला है, मैं हल्का सा जीरा डालूंगी की भर ही, देन उसके बाद मैंने ये सिंघाड़ा इसमें डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे आप चाहो तो चुटकी भर इसमें हल्दी मिला सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, हल्का सा हल्दी पाउडर आप डाल दो, आपको थोड़ा कलर चाहिए तो ठीक है। बाद में इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्की सी रेड चिली, क्योंकि मेरे यहाँ रेड चिली नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, और आप चाहो तो ग्रीन चिली डाल सकते हो, बट ग्रीन चिली इसको बहुत तीखा बना देगी, क्योंकि जो चिली है ना मेरे पास वो बहुत तीखी है,
पे भोग लगाने जा रही भगवान जी को, जाओ भोग लगा के आओ, चलो खा मत लेना बुद्धू, पक रहा है और इधर कचरी मेरी लगभग तैयार है। अच्छा यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, आप इसमें हरा धनिया, सूखा धनिया, गरम मसाला जो भी आपको खाना है आप सब डाल सकते हो, लेकिन मेरे को ये ऐसे ही पसंद है। इसमें सिर्फ मैंने नमक और मिर्ची डाली है, सूखा धनिया मेरा खत्म पड़ा हुआ है तो और कुछ मैं इसमें नहीं डालूंगी, मुझे ये ऐसे ही काफ़ी पसंद है। और इसमें आप हरा धनिया स्प्रिंकल करके खाओ और ये बहुत टेस्टी लगती है नाश्ते में, आप इसको चाय के साथ खाओ, मजा आएगा। सो फ्रेंड्स अब है नेक्स्ट डे संडे है आज और मैं अभी बाहर आई थी तो मैंने सोचा फिर से जूस पी लेती हूँ, यही वाला सेम जूस, ये वाला जूस अच्छा होता है सर्दियों में पीने के लिए। तुमने पिया सचम जूस? सचम क्या मैं फिर संदेह नहीं आ रही, आगे इतना नहीं क्यों पीछे पड़ गई मेरे बेटे के, है ना? दवाई भी दे रही हूँ फिर भी स्वेलिंग हो ही जा रही है बार बार आकर। सो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, इवनिंग का टाइम है और खुशी आई है और मुझे याद ही नहीं रहा कुछ के आने पे ब्लॉग स्टार्ट करने का, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं रहा ना ब्लॉग स्टार्ट करने का, पता नहीं कैसे भूल गई, तो मैंने सोचा अभी स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग को। मुझे पूछ रही मम्मी और आज फिर भी वेदर थोड़ा अच्छा है, गर्म सा है ना, नहीं तो 5:15 में तो बहुत ठंडा सा चिल्ड सा अंधेरा अंधेरा सा होने लगता है आज बड़ा अच्छा। या तो मेरे को इसलिए लग रहा है कि इस टाइम तो भाई मैं बहुत टाइम बाद में बाहर झांक रही हूँ क्योंकि मैं ट्यूशन में बैठी रहती हूँ बच्चों के साथ, ना मैं वॉक के लिए निकलती हूँ ना कुछ। मेरे ख्याल से खुश हूँ अब मैं, हम आए हैं सदर और सदर में तो हमेशा ही काफी भीड़ है। चलो साइड हो जाओ सक्षम, कुछ अभी अपनी शॉपिंग करके लाई है जिसमें कि कुछ बच्चों की जरूरी चीजें जींस वगैरह, और ये मामी लाइन थी तुम्हारे लिए। नाइस, है ना कैसा लगा? कल के लिए तो मैं रेड लेके आई हूँ पहनने के लिए। हाँ, ब्लैक जीन पे अच्छा लगेगा ये भी, है ना? हाँ, ये भी अच्छा लगेगा। इसमें एक चीज और पड़ी होगी, खोल के देखो पॉलिथीन के अंदर। हाँ दीदी, ओ ये मलेशिया लाइन थी मामी, वहां से लाइन थी प्यारा प्यारा। हाँ मेरे लिए भी लाइन थी, बहुत सुंदर। अभी आई थी ना उनकी मामी, बड़ी वाली मामी, तो वो लाई थी मलेशिया से, और ये इसका पोच। आप हैप्पी? वो टेडी बेयर कर गया था वो डाल देना, मैंने उठा के रख दिया। ये हमारे किचन में आपका स्वागत है गौरी भगवान। हम क्या बना रहे हैं ये देखिए, सब्जियां देखिए, हमने इसमें बहुत सारी सब्जियां डाली है, पानी डाला है, और हम क्या बना रहे हैं गौरी दीदी? सूप। कौन सा सूप है? मैगी। सबसे बहुत भारी है मैगी बनाना। मैगी बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स अभी है दोपहर का टाइम और आजकल ना सर्दियों के दिन कुछ ऐसे होते हैं कि बस आने के बाद ब्लॉग फिर ज्यादा शूट नहीं किया, है ना? बच्चे बैठे इधर, आज ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया था? पराठा बनाया था, इन लोगों ने बटर और साग के साथ खाया, तो है ना। और सक्षम और खुशी क्या कर रहे हो अभी? आज है क्रिसमस तो सभी फ्रेंड्स को मैरी क्रिसमस, जो भी क्रिसमस मनाते हैं, है ना? और बच्चों के अंदर तो एक्साइटमेंट अलग रहता है सेंटा का, और आज हम सबने रेड पहन रखा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, बस ऐसे ही पहन लिया रेड, है ना? बस ये क्रिसमस का कहीं घूमने जाओ तो अच्छा लगता है, जगह जगह क्रिसमस ट्री लगे रहते हैं ना। हाँ, श्रीजा पता नहीं क्या कर रही है, श्रीजा ने भी लगा रखा है, रेड कलर पहन रखा है, लगा रखा है। हस्बैंड ने भी है खेलने के लिए बुला रहा होगा रायन फ्रेंड। अभी मैंने बच्चों को लंच कराया, लंच में क्या हुआ गुरु?
लंच में मैंने आज बनाया पुलाव, मॉर्निंग में पराठा और बटर और साग था, और अभी मैं लेट गई हूँ। और अभी मैं अपने कमेंट्स चेक कर रही थी, रिप्लाई कर रही थी कुछ कमेंट्स का, तो उसमें एक फ्रेंड ने कमेंट किया है, ज्योति जी नाम है उनका, और वो पूछ रही हैं कि शिप्रा जी आपके हस्बैंड का ट्रीटमेंट कौन से डॉक्टर से हुआ है, आप मुझे कोई अच्छे डॉक्टर को सजेस्ट करो, उनका भी कुछ शायद किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो फ्रेंड मैंने बहुत बार बताया आपको कि मेरठ से ही हुआ है मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट। मेरठ से होने का रीज़न ये भी था कि मतलब जिस टाइम पे हमारा ये केस चल रहा था किडनी ट्रांसप्लांट का, तो तब ना कोविड बहुत ज़्यादा था, तो दिल्ली जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। दूसरी बात ये है कि हमको एक अच्छे डॉक्टर मिल गए थे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे संदीप गर्ग डॉक्टर हैं न्यूटिमा हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट किया है, है? और शालीन, क्या नाम है, शालीन शर्मा सर्जन है, पूरी टीम है उनकी, तो वो काफ़ी सर्जरी करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की। और सर्जरी की बात ही नहीं है, अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपको एक ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं ना। तो आप कहाँ से हो मुझे ये नहीं पता, आप मुझे प्लीज़ बताना आप कहाँ से हो। अगर मेरठ से या आसपास के एरिया से हो तो आपके लिए बेटर रहेगा मेरठ में ट्रीटमेंट कराना, न्यूटिमा हॉस्पिटल में डॉक्टर संदीप गर्ग, ठीक है? तो आप सर्च कर सकते हो उनका, उस पर भी आता है, गूगल सर्च करके देख लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, उनका एक चैनल भी बना रखा है सर ने, और आप उनसे कंसल्ट कर लो कि वो है ना आपको सजेस्ट करेंगे। बहुत पेशेंट रहते हैं उनके पास, काफ़ी भीड़ रहती है, तो वहाँ से मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट, उससे पहले दिल्ली का ट्रीटमेंट चला था मेरे हस्बैंड का ग्रेटर कैलाश नोएडा में, और उसके बाद में PSRI का भी चला था। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप पास नहीं हो तो संदीप गर्ग को आप दिखा सकते हो, है ना? तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा कमेंट ऐसा है जिसका मुझे रिप्लाई ब्लॉग के अंदर देना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं इतना नहीं लिख सकती। तो आई होप कि आप आज का ब्लॉग ज़रूर देखोगे और मैं आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई लिख दूँगी कि वीडियो में देख चेक कर लेना, या फिर नहीं भी लिख पाई क्योंकि बच्चों के साथ में ऐसे ही चला जाता है पूरा दिन, तो होप कि आप देख लेना डियर, और बस देर मत करना, आपने जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देना, ठीक है? क्योंकि जान है तो जहान है, हम हैं ना तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय दोस्तों।